अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। मैं हूं इब्राहिम पीरजादा और आज के खबरनामे के अंदर मैं आपके साथ खबर शेयर करूंगा कि वो मर्दूद जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके अलल ऐलान बनाता था, 2007 के अंदर उसने अलल ऐलान वो गुस्ताखाना खाके बनाए थे और फिर उसे एक डेनमार्क के पब्लिशर ने पब्लिश किया था और दो दफ़ा उसके ऊपर अटैक हुए थे। वो मर गया, जहन्नुम वासिल हो गया, यानी कि अल्लाह ने अपने महबूब का बदला ले लिया और ऐसी मौत मारा है कि आपको पता है दो दफ़ा उसके ऊपर वो अटेम्प्ट्स हुए कत्ल की, लेकिन कोई कत्ल ना कर पाया। तो क्या हुआ कि अब वो उसको पुलिस की उसमें रखा जाता था, सुपरविजन के अंदर फुल प्रोटोकॉल के साथ उसको रखा जाता था, फुल प्रोटोकॉल के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा था। और इस कार एक्सीडेंट में जिसमें वो मारा गया है उसमें दो पुलिस वाले भी मारे गए, यानी कि कुत्ते की मौत मरा है और ऐसी मौत मरा है कि जो उसका हक था और अल्लाह ताला ने अपने महबूब का बदला खुद ले लिया है। दो आशिकान रसूल जो थे उनसे पहले उन्होंने ट्राई की थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और इस तरह से है कि अच्छी बात है, अल्लाह ताला इन सब लोगों को जहन्नुम वासिल करे जो उनके रसूल और उनके प्यारी रसूल की उम्मत के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। और अल्लाह ताला हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो हम लोगों के मुस्लिम उम्मा है, उनके अंदर यकानगत पैदा करे और इतिहाद पैदा करे ताकि हम लोगों को बता सकें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए कितने अहम हैं, कितने हमें प्यारे हैं, हमारी जानों से ज़्यादा भी हमें अज़ीज़ हैं, हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी खुश हों और हम भी खुश होते हैं कि अल्लाह ताला ने बिलाखिर बदला ले लिया और ऐसी मौत दी है कि देखकर ही बंदा हैरान हो जाता है कि ट्रक के साथ ट्रक वाले को कुछ नहीं हुआ लेकिन जो पुलिस वाले जो दोस्त की हिफाजत करते थे ना वो भी नहीं बचा पाए, मौत ने आके पकड़ लिया उसको और उसको भी पता लग गया कि हाँ भाई बचू अब नहीं कहीं मैं बच सकता, कहीं नहीं जा सकता, दो दफ़ा अल्लाह ताला ने मौका दिया मैं माफ़ी मांग लूँ लेकिन फिर भी बच गया था। और इस दफ़ा जो है वो गिरफ्त बहुत ज़्यादा टाइट थी और पकड़ा गया और एक कार हादसे के अंदर जिसके साथ ट्रक के साथ उसका हुआ था एक्सीडेंट उसमें वो मारा गया है और दो पुलिस वाले भी मारे गए हैं उसके रखवाले। तो आप देख सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो कितने अजीम हैं और कितनी मोहब्बत करते हैं अपने नबी से और उसकी उम्मत से। तो हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ गो रहें कि अल्लाह ताला हमें सही रास्ते पर चलाए और हमें उन रास्ते पर चलाए जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम नाजिल फरमाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।